हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज है, आज क्या दिन है? आज है ट्यूसडे और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग में। तो सक्षम की स्कूल का मैसेज आया था कि इनके जो मतलब पीटीएम है बच्चों की कैंसिल कर दी गई है और यहाँ पे काफ़ी बच्चों की एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिए गए हैं मेरठ में और बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया। वैसे ये तो नर्सरी में छोटी क्लास में ही था लेकिन बड़ी क्लासेस के भी जो फिफ्थ क्लास तक के बच्चे हैं उनका अधिकतर यही हुआ है। अभी श्रीजा का पता नहीं है कि उसके दो एग्ज़ाम अटके हुए होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन अब सक्षम का मुझे लाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए सिलेबस, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई तो शुरू करानी है ना उसकी। और कितना अच्छा लगता है ना बच्चों की नई नई बुक्स खरीदना, उन पर कवर चढ़ाना, ये भी एक नया काम मिल जाता है। तो एक दो दिन में जाऊँगी उसकी नई बुक्स लाऊँगी और उस पर कवर वगैरह चढ़ाऊँगी। बच्चों को भी बड़ा क्रेज़ रहता है। मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे थे और नई क्लास में आते थे और नई नई बुक्स मिलती थी तो कितना अच्छा लगता था ना। तो ये कोरोना वायरस का कितना आतंक फैला हुआ है और पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। आज मैं टीवी में देख रही थी कि 100 से भी ऊपर पहुँच गया है और सारे इंस्टीट्यूट वगैरह और जितने भी जिम वगैरह हैं और इस तरह की चीज़ें जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है उन पर उनको बंद किया जा रहा है। तो पता नहीं ये वायरस का प्रकोप कब कम होगा, कब इसके लिए कोई दवाई मिलेगी और जो लोग इससे जूझ रहे हैं भगवान करे उन लोगों की हेल्थ ठीक हो जाए, वो भी मतलब ठीक ठाक होकर अपनी फैमिली के बीच में जाएं। क्योंकि देखिए सुनने में तो ऐसे लगता है कि एक बीमारी फैल रही है लेकिन जो लोग उससे जूझ रहे हैं या फिर जो लोगों की डेथ हो गई इसके कोरोना वायरस के, उसमें उनकी फैमिली पर क्या बीतरी होगी। तो भगवान हमारे देश को बचा के रखे, हर किसी इंसान को बचा के रखे इस बीमारी से, वायरस से। पता नहीं कहाँ से आ गया ये कोरोना वायरस और पहले इसका कभी नाम भी नहीं सुना था। तो इसीलिए सरकार ये सब कदम उठा रही है, तो हम लोगों को भी प्रिकॉशन लेने चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। मैं भी काफ़ी दिन से बच्चों को लेकर मार्केट कहीं नहीं गई हूँ, बस सक्षम की बुक्स लेने मुझे एक दिन जाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। नहीं लाऊंगी तो उसका सिलेबस फिर मतलब स्कूल की छुट्टियाँ भी काफ़ी दिन की पड़ जाएंगी ना, तो इतना वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करेगा कुछ, मतलब पढ़ाई तो क्या, उसको तो ज़बरदस्ती पढ़ाना होता है, लेकिन जो भी है उसको सिखाना तो पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आजकल जैसे कि फ्रेंड्स मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अब सर्दियों से गर्मियों की तरफ मौसम जा रहा है, तो इसका इफेक्ट स्किन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। स्किन पे मेरे देखो पिंपल हो गया है कि, तो स्किन पे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है, स्किन पे, बालों पे। तो हमें अपनी घर की केयर करनी, अपनी फैमिली की केयर करनी, खाना बनाना, ये सब ज़रूरी है लेकिन अपनी पर्सनल केयर भी बहुत ज़रूरी है, जैसे अपनी स्किन की केयर। तो स्किन केयर में क्या क्या आप लोग करते हो, अगर आप लोग कुछ स्पेशल करते हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक इतना अच्छा सा, एक मतलब होममेड ही है वो, जिसको हम घर पे बनाएंगे नेचुरल इंग्रेडिएंट से, ऐसा एक फेस स्क्रब, बॉडी स्क्रब आप कुछ भी कह सकते हैं, तो स्क्रब है वो और पैक भी कह सकते हैं उसको, फेस पैक प्लस स्क्रब है वो, और काफ़ी इफेक्टिव है स्किन ग्लोइंग के लिए या फिर जैसे टैनिंग हो गई स्किन पे तो उसके लिए काफ़ी इफेक्ट करेगा आपकी स्किन को, मतलब बहुत सूदिंग बनाएगा, अच्छा बनाएगा, नरिश भी करेगा साथ में। तो आज मैं आपके लिए इतना अच्छा सा जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ और ये वाला जो मैं आपको बताऊँगी फेस स्क्रब, इसको वीक में 2 डेज भी कर सकते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक फेस स्क्रब और आज अपने फेस के लिए भी कुछ करते हैं। तो मेरी स्किन भी काफ़ी डल सी हो रही है तो इसको भी पैम्पर करने की, इसकी भी केयर करने की ज़रूरत है। तो आप लोग क्या क्या करते हैं इसके लिए, अपनी स्किन केयर के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कुछ नया आइडिया है या कुछ नया है तो मुझे बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं एक फेस स्क्रब और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस स्क्रब को बनाने के लिए मैं खाली कटोरी ले लूँगी जिसमें इसको मिक्स करके बनाऊँगी, फिर एक डाबर हनी लूँगी। हनी आप कोई सा ले सकते हैं, डाबर का ले सकते हैं या फिर आप जो यूज़ करते हैं, और कॉफ़ी लेंगे हम, मेरे पास नेस्कैफे है, कोई सी भी कॉफ़ी पाउच वाली भी ले सकते हैं, और ये चीनी लूँगी मैं और ये डाबर गुलाबरी, आप कोई सा भी गुलाब जल जो आपके पास हो वो डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं फेस स्क्रब। सो फ्रेंड्स मैंने ये आधा चम्मच के करीब ले ली है कॉफ़ी, ठीक है। अब इसको मैं कॉफ़ी लूँगी फिर उसमें आधा चम्मच ही चीनी डालूँगी। तो ये आधा चम्मच कॉफ़ी में मैंने आधा चम्मच चीनी डाल ली है, अब इसमें मैं एक चम्मच शहद डालूँगी। सो फ्रेंड्स मैंने एक चम्मच शहद ले लिया है और इसको हल्के से मिक्स करूँगी
और ये मेरे पास है डाबर गुलाबरी, आप कोई सा भी गुलाब जल जो आपके पास है वो ले सकते हैं। तो इसमें कुछ ड्रॉप्स डालूंगी मैं गुलाब जल की, और इसलिए जिससे थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और ये इजीली स्क्रब हम कर पाए। तो थोड़ा सा मैंने इसमें गुलाब जल मिक्स कर लिया है, अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूंगी। एक स्मूथ सा हमें पेस्ट बनाना है, थोड़ी देर के लिए मिक्स करना है जिससे हल्के से जो चीनी के दाने हल्के से मिक्सअप हो जाए, बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। तो ये मेरा बड़ा अच्छा सा एक पेस्ट टाइप बन गया है, इसको फेस पे हम अप्लाई करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको अप्लाई। सो फ्रेंड्स, पहले अपने फेस को क्लीन कर लेना है। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, हल्का सा बस मैंने लिप ग्लॉस लगाया हुआ है, वो भी नेचुरल है, लिवी जो आता है ना ये बेबी लिप्स वाला, वो हल्का सा लगाया और कुछ मेरे फेस पे नहीं है, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो पहले आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में वो जो चीनी के दाने हैं वो हल्के से थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे, पूरी तरह मेल्ट नहीं करना, और उसको धीरे धीरे अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो मैं तो हाथ से कर रही हूँ, वैसे तो हाथ से ही करना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि स्क्रबिंग करनी है तो हाथों का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई फेस पैक लगाओ तो उसको तो आप इजीली ब्रश से लगा सकते हो, लेकिन अगर हमें स्क्रबिंग करनी है फेस पे तो हमें हैंड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, और कॉफ़ी की स्मेल है तो ऐसा गंदा सा भी नहीं लगेगा, क्योंकि यार स्किन के लिए कॉफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। कॉफ़ी से बने हुए और शहद से बने हुए कितने सारे फेस मास्क वगैरह मार्केट से हम लाते हैं, और ये तो नेचुरल है, होममेड है, तो ये तो कोई साइड इफेक्ट करेगा भी नहीं। तो इसको आप वीक में 2 डेज भी कर सकते हैं, और जैसे कहीं बाहर से आ रहे हैं और आपकी थकी हुई स्किन लग रही है आपको, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बातें करते हैं बंद और करते हैं स्क्रबिंग। हल्के हाथों से धीरे धीरे फिंगर्स से हमें इसे अपने फेस पर करना है। इसको टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा हैवी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को इफेक्ट करे या स्किन को ड्राई करे या कुछ करे, ये बल्कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश कर देगा, क्योंकि शहद है इसमें, शहद हमारी स्किन को नरिश करेगा, और शुगर है, शुगर भी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इसको मैं ऐसे करके स्क्रब कर लूँगी, बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ मैं, ज़ोर से नहीं दबा रही हूँ बिल्कुल स्किन को अपने। सो फ्रेंड, 2 मिनट, लगभग 2 मिनट तक या 1-2 मिनट तक मैंने इसको किया है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी अपनी स्किन पे, चाहे तो आप 10 मिनट्स के लिए भी छोड़ सकते हो, 5 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको अपनी स्किन पे ऐसे ही छोड़ दूंगी, और फिर उसके बाद में मैं इसको वॉश करूंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लगभग 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं इसको वॉश करती हूँ। तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, फिर आपसे बात। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और देखिए जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको अपने स्किन में एक मॉइस्चराइजर सा और एक मतलब नरिशमेंट सा दिखाई देगा, ऐसे ड्राइनेस नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी स्किन को नरिश करने के लिए हैं। तो आप इसको बनाइए और फेस पे यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा है स्किन के लिए। तो मैं अपने फेस को पहले ड्राई कर लेती हूँ टॉवल से, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने फिर फेस को कर लिया है ड्राई और लगा ली अपनी बिंदी, और ये जरा सा बेबी लिप्स लगाया, इसके अलावा और स्किन पे कुछ नहीं लगाया, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाया है, वो भी एलोवेरा जेल, क्योंकि कोई भी स्क्रब वगैरह करने के बाद मॉइस्चराइजिंग करनी स्किन की बहुत ज़रूरी है, और देख सकते हैं आप लोग और डिफरेंस देख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पहली बार में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको नज़र आएगा, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को रेगुलर यूज़ करते हैं, मेरे बाल भी गीले हुए देखिए, तो अगर किसी चीज़ को रेगुलर यूज़ करते हैं अपनी फेस की या किसी भी चीज़ की रेगुलर केयर करते हैं स्किन की, तो वो धीरे धीरे डिफरेंस नज़र आता है, धीरे 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 आपकी स्किन ग्लोइंग होने लग जाती है। और अब बच्चे हमारे थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो हमें भी अब स्टार्ट करना चाहिए स्किन केयर वगैरह, क्योंकि जब छोटे बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो सब कुछ छूटने सा लग जाता है, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता यार कि बच्चों को छोड़ के और स्किन केयर वगैरह करो, वो तो कभी कभी बस पार्लर कभी चले गए तो थ्रेडिंग हो गई या फेशियल वेशल हो गया, नहीं तो कहाँ हो पाता है छोटे बच्चों के साथ में। तो अब श्रीजा और सक्षम थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा इसको, क्योंकि अपनी स्किन की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर स्किन की केयर नहीं करेंगे तो एज से पहले ही हमारी स्किन
मतलब एजेड से दिखने लग जाएगी वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो मार्केट के स्क्रब आते हैं, देखिए स्क्रबिंग हमारी फेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्क्रबिंग करेंगे तो डेड स्किन जो है ना, डेड स्किन हमारे स्किन की निकल जाती है और हमारी स्किन मतलब मतलब फिर से एक मतलब उसमें ग्लो आता है, सारी गंदगी हट जाती है एक तरह से, और फिर मतलब नई स्किन जल्दी 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 बनती है। तो हमें स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम स्क्रब नहीं करेंगे ना तो स्किन पर डेड स्किन जमती जाएगी, ब्लैकनेस आती जाएगी और स्किन डल होती जाएगी। तो वीक में 1 या 2 टाइम्स तो हमें स्क्रबिंग कर ही लेनी चाहिए। और अगर स्क्रबर या फिर जो पैक है वो होममेड हो तो क्या कहने। तो ये जो मैंने आपको बताया ये होममेड है और जो भी इंग्रेडिएंट्स में है बहुत ही स्किन के लिए मतलब बहुत अच्छे हैं सारे के सारे। तो कॉफ़ी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, जो स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। सेकंड है हमारा शहद, जो शहद हमारी स्किन को नरिश करता है, मतलब वो ड्राइनेस नहीं आने देता स्किन पे। थर्ड है हमारा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको सबको पता है कि हमारे पीएच बैलेंस को स्किन के मेंटेन करता है, बहुत अच्छे टोनर का काम करता है। तो हमारे लिए स्किन के लिए गुलाब जल हमेशा ही मतलब हेल्पफुल रहेगा। गर्मी में हम लोग फेस पैक में भी डाल के लगाते हैं तो वो हमारी स्किन को ठंडक और बड़ा सूदिंग सा बना देता है। और उसके अलावा इसमें क्या है, इसके एक तो है चीनी, शहद और कॉफ़ी और गुलाब जल, बस ये 4 चीज़ें हैं। तो अगर आप रोज़ वाटर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। नींबू में विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अगर आपके पास नींबू नहीं है, रोज़ वाटर है, तो आप रोज़ वाटर डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे बहुत वो डाल सकते हैं। और स्किन को बहुत धीरे 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 स्क्रबिंग करनी और ऐसे सर्कल में, जिससे हमारी स्किन मतलब स्किन में एक अलग ही ग्लो आता है यार। बस स्क्रब तो आप लोग करते ही होंगे ना, तो एक बार होममेड भी करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। और अगर आप कहीं बाहर से धूप में से आ रहे हैं, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं या फिर जैसे किसी की मैरिज में गए हैं, 2-3 रातें जागे हो जाते हैं, थके हारे सो जाते हैं, या स्किन अगर थकी हुई लग रही है, तो उस टाइम पे अगर आप स्क्रबिंग करेंगे फेस पे तो वो आपकी स्किन के लिए एक मैजिक की तरह वर्क करेगी, है ना। वो मतलब स्किन में एक नई जान सी डाल देगी। तो अगर आपको अपनी स्किन थकी हुई सी लग रही है, अगर आप कॉलेज गोइंग भी हैं, तो मतलब जैसे आप ये वीक में 2 डेज बड़ा इजीली आप ये कर सकते हैं और इसको लगा ली मतलब लगे रहने दीजिए थोड़ी देर। मैंने तो 5 मिनट्स ही रखा, आप इसको 20 मिनट्स 10 मिनट्स जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा ग्लो आएगा। और जैसे हम लोग हाउस वाइफ्स नहीं हैं यार, इतना हम लोग किचन वचन क्लीन कर रहे हैं, इतनी देर इसको फेस पे लगे रहने दीजिए तो आपके फेस के लिए बड़ा अच्छा वर्क करेगा ये। तो आपको मेरा ये फेस कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और यार कमेंट कीजिएगा। कमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे किसी अपने ने, और जो मुझे प्यार करता है, मुझे देख रहा है। अपने देखिए, अपने तो आप सारे ही हो, पता नहीं मतलब कुछ लोगों को तो मैं जानती हूँ, कुछ को तो जानती भी नहीं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो एक फैमिली बन जाते हैं ना, फैमिली फ्रेंड, फैमिली क्या कहें, मतलब एक दोस्ती का रिश्ता हो जाता है। तो आप लोग मेरे दोस्त हो तो मतलब अच्छा लगता है किसी दोस्त का कमेंट आता है तो। सो फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए फिर नई वीडियो में मिलते हैं। तो मैं आपकी फ्रेंडशिप रहा लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कोरोना वायरस से बच के रहना, आप बाहर जाते हो तो मास्क लगाना, थोड़ी देर बाद गर्म पानी पीना, अपने बच्चों को बचा कर रखना, और हमेशा बार बार अपने बच्चों की कोशिश करना कि हैंड वॉश करो, और बाहर जा रहे हो तो सैनिटाइज़र यूज़ करो। और यार अगर पॉसिबल हो तो बच्चों को बाहर कम लेके जाइएगा, और आप लोग भी अगर ज़रूरी है तो ही जाइएगा, और शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन कर लीजिएगा यार, बाहर मार्केट कम जाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।